ये देख सकते हैं ये देखिए यहाँ का नजारा, छत घर का नजारा है। ये अंदर बड़ा सा अंडा मिला है, गोल गोल अंडा। तो अब यहाँ से निकलते हैं रूम से, फाइनली छत के लिए जाएंगे। ये देख सकते हैं छत चढ़ने के लिए सीढ़ी, सीढ़ी देख रहे हैं, अजीब के टाइप का सीढ़ी एकदम, तो हरा भरा सीढ़ी, ऐसा सीढ़ी कहीं नहीं आप लोगों को मिलेगा, देख रहे हैं। ये खतरनाक सा लगती लग रहा है, पूरा हरा भरा सीढ़ी, ये देख सकते हैं। हाय एवरीवन, आप सबको मैं फिर से स्वागत करता हूँ अपने न्यू ब्लॉग के साथ। तो फ्रेंड फाइनली आज मैंने डिसाइड किया हूँ कि जाऊँगा अपने नानी घर और वहाँ का आप लोगों का पूरा नज़ारा दिखाएंगे, ठीक है, जो कि हमारे घर से लगभग 30 से 35 किलोमीटर पड़ता है हमारे नानी घर। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, तब मैं अपना नानी घर का पूरा नज़ारा दिखाएंगे, ठीक है गाइज। तो अभी देख सकते हैं हम यहाँ से निकलने वाले हैं, ये मेरा बाइक है और अब हम जाएंगे यहाँ से नानी घर के लिए, ठीक है गाइज। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, ओके। अभी हम यहाँ पे भुरकुंडा पहुँच चुके हैं, यहाँ पे एक चौक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये चौक है, बिरसा चौक है, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और यहाँ से कुछ सामान खरीदारी करेंगे, उसके बाद आगे के लिए हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है गाइस। तो मार्केट में कुछ खरीद लेते हैं, ठीक है। तो वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिएगा तो आपको सही से पता चलेगा किधर जा रहे हैं किधर नहीं, ठीक है गाइस। तो फ्रेंड फाइनली अभी हम इस फल वाले दुकान के पास आए हैं और यहाँ पे सेब खरीद रहे हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी महंगा यहाँ पे बता रहा है, काफ़ी महंगा है, बट क्या कर सकते हैं, लेना तो पड़ेगा जब जा रहे हैं। तो मीडिया में पाँच भेजते ठीक। तो फ्रेंड फाइनली अब हम यहाँ पे पूरा तरह से अपना मार्केटिंग कर लिया और जितना भी सामान लेना था लेके जाने के लिए वो सारा मैं सामान खरीद लिया हूँ और अब यहाँ से डायरेक्ट अब हम निकलते हैं नानी घर के लिए, ठीक है गाइस। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहेगा तो वहाँ का पूरा नज़ारा हम आप लोगों को दिखाएंगे। रास्ता का तक खैर दिखा नहीं पा रहे हैं इसलिए कि हम बाइक खुद ही चला रहे हैं और वीडियो खुद से बनाना ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता था, इसलिए गाइस हम आपको डायरेक्ट वहाँ पर जाके नानी घर के पास रुकेंगे और वहीं पर आपको वहाँ का पूरा नज़ारा दिखाएंगे, ठीक है। तो गाइस फाइनली हम ये देख सकते हैं नानी घर पहुँच चुके हैं, यहाँ पर देखिए ये आंगन, ये रहा नानी घर का नज़ारा हमारा, ये देख सकते हैं इधर मिट्टी का घर भी है जो बहुत सालों से है यहाँ पे। तो चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं क्या नज़ारा है वहाँ का। यहाँ पर तो लग रहा है बंद है लेकिन यहाँ कुछ कोई है नहीं, लगता है छत वाले घर पे है। तो गाइस चलते हैं छत वाले घर पास, देख सकते हैं यहाँ पर ये सुनील हमारा जो मौसी का बेटा पहले पहुँच चुका है हमारे से पहले, ये देख सकते हैं मेरे नाना जी। ये रहा छत घर का नज़ारा और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग हैं, ये देख सकते हैं ये देखिए यहाँ का नज़ारा, छत घर का नज़ारा है, ये अंदर का नज़ारा है, काफ़ी लोग यहाँ पर ही आ गया है। देखो इधर डिम्पू है इधर और बाकी लोग, और नानी किधर है पता नहीं, उसको भी ढूंढेंगे। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मेरी नानी पहुँच चुकी है यहाँ से, ये नहा धोवा के शायद आ रही है। इधर देखो तो जरा सा, इधर देखो देखो देखो, कहाँ गई थी तुम अभी से बता, नहाने कहाँ नहाने चले गए थे, बांध गई थी क्या? नहीं, हाँ छत ऊपर। अच्छा पानी ऊपर में है क्या, छत के ऊपर? अच्छा तो फ्रेंड फाइनली आपको हम मिला दिए हैं अपने नानी से। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं नानी अब हमारी जा रही है वहाँ पे मट्टी घर शायद, और ये देख सकते हैं हमारे पीछे ये मामी जो है इधर हाथ धो रही है, बिना साबुन को भी हाथ धो रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये बड़ा सा ड्राम रखे यहाँ पे पानी भर के आता है, सप्लाई वाला पानी, इन लोगों का फ्री फंड में पानी मिल जाता है, हम लोग ज्यादा भर के नहीं लाना वाला पड़ता है इन लोगों को। और आपको हम मिलवाते हैं अपने मौसी की बेटी यहाँ से, आप देख सकते हो यहाँ पे ये डिम्पू है, देख सकते हैं डिम्पू हाई भी बोल दिया भाई लोग, तो देख सकते हैं आपको अच्छे से मिलवाते हैं सुनील, ये देखिए अब।
तो फ्रेंड फाइनली अब हम लोग को खाने के लिए बुलाया जा रहा है, तो अब जाके देखते हैं क्या खाने में बना है नहीं बना है और हम लोग को क्या मिलेगा खाने के लिए। तो गाइस तो किचन की ओर हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ से हम किचन की ओर बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये रहा हम लोग का खाना वाना सारा परोस चुकी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये क्या क्या है। ओहो अच्छा अंडा भी मिलाएगा, अरे बाबर बाब अंडा हम लोग को मिलेगा, देख सकते हैं आप। ये रहा बेस्ट चूल्हा। तो फ्रेंड फाइनली आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे खाने के लिए बैठ चुके हैं, ये देखिए ये बड़ा सा अंडा मिला है, गोल गोल अंडा। अरे डिम्पू कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है फिलहाल। फिलहाल मतलब टेस्टी वेस्टी है कि नहीं? देखो खाने के बाद ही पता चलेगा, मुंह में नहीं किया है तो कहाँ से पता चलेगा। तो गाइस आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपको हम बताएंगे कि कैसा स्वाद लगा नहीं लगा जो हमारी मामी जी ने बनाई है ये अंडा, गोल गोल अंडा। ठीक है गाइस, तो थोड़ा खा के आप लोगों से बात करते हैं। तो फ्रेंड फाइनली अब हम लोग यहाँ पे खा पी लिए पूरा, तो कैसा लगा खाना? बहुत अच्छा अच्छा लग रहा। तो फ्रेंड फाइनली अब हम लोग ऊपर जाते हैं, छत के ऊपर का नजारा आप लोगों को दिखाते हैं। ठीक है गाइस, तो वीडियो में तो अब यहाँ से निकलते हैं रूम से, फाइनली छत के लिए जाएंगे। ये देख सकते हैं छत चढ़ने के लिए सीढ़ी, ये सीढ़ी देख रहे हैं अजीब टाइप का सीढ़ी एकदम हरा भरा सीढ़ी, ऐसा सीढ़ी कहीं नहीं आप लोगों को मिलेगा, देख रहे हैं ये खतरनाक सा लग रहा है पूरा हरा भरा सीढ़ी, ये देख सकते हैं। ये वाह क्या सीढ़ी है। तो फ्रेंड फाइनली अब हम लोग ऊपर की ओर चढ़ चुके हैं, यहाँ से देख सकते हैं आप पूरा छत का नजारा, ये रहा ये देखिए पूरा छत का नजारा कैसा लग रहा है छत, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पर ही पूरा मस्त नजारा लग रहा है, ये खपड़ा का घर बहुत ज़्यादा यहाँ पे मात्रा में दिखेगा आप लोगों को, और आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ का हरा भरा वाला नज़ारा। ये देख सकते हैं यहाँ पे मकई उगई भी पूरा लगा हुआ है जो अब तैयार हो गया है, बस उसको निकालना है वहाँ से और बाजार में बेचना है या कहीं भी यूज़ कर सकता है उसको। ठीक है गाइस, बड़ा सा घर इधर खपड़ा वाला घर बहुत ज़्यादा इधर मात्रा में, और छत का घर तो है ही लेकिन बाकी इसमें बचा के लोग अपना धरोहर को रखा है, ये खपड़ा वाला घर को अभी तक हटाया नहीं है लोग, तो देख सकते हैं खपड़ा वाला घर बहुत सुंदर लग रहा है ऊपर। तो फ्रेंड फाइनली अब हम यहाँ पे पूरा तरह से घूम चुके हैं, आपको भी घुमा चुके हैं। ठीक है गाइस, तो और अब हम यहाँ से धीरे से घर के लिए निकलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरा वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और अगर मेरा चैनल में आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, इसी तरह आपके पास नया नया वीडियो मैं लेके आता रहूँगा।